कभी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो लगता है क्या बनाए हैं। आजकल बहुत सारी मटर आ रही है तो क्यों ना कुछ उसका बनाया जाए। तो आज हम बना रहे हैं मटर की कचौड़ी। तो यहाँ हमने मटर को छील लिया है और धो लिया है। आप ऐसे ही मटर को साफ़ करके धो के रख लीजिए और फिर हम उसको पीस लेंगे। हम इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है और ये निकाल लिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, जब आपका ये सारा पीस जाता है तो हम इसको एक कढ़ाई में या पैन में लेके इसको गैस पे रखिए, पैन रखिए, उसमें ये मसाला डाल दीजिए। फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है धनिया और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने लाल मिर्च यूज़ करी है। थोड़ा सा हमने डाला है हल्दी। हल्दी बहुत ज़रा सी डाली है क्योंकि हरी हरी सी अच्छी, वैसी अच्छी लगती है। थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है। अब आप इन सबको मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसको चलाते रहिए ताकि जो इसमें मटर में जो पानी आ जाता है वो थोड़ा सा सूख जाए और ये थोड़ी ड्राई हो जाए। जब आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ी देर चलाने के बाद थोड़ी सी ड्राई सी हो गई है तो गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने रख दीजिए। साथ ही हमने चटनी के लिए थोड़ा सा धनिया लिया है, मिर्च ली है, अदरक ली है और लिए हैं करी लीव्स। इन सबको काट के हमने मिक्सी कर लिया है। यहाँ हमने मैदा लिया है और थोड़ी सी सूजी ली है। इसमें आप आटा भी मिला सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी मन करता है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो हमने इनको अब थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ा आप इसमें तेल डाल के ऐसे देखिए कि जैसे इसकी मुट्ठी बनाओ तो ये बन जाए और इसका मतलब ये बिल्कुल सही बना है। अब इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप एक टाइट आटा गूंद लीजिए। गूंदने के बाद इसको 15-20 मिनट ढक के रख दीजिए। उसके बाद आप इसको बनाइए, तब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। हाथों से हमने ऐसे ही इसको गोल कर रहे हैं और इसमें अब हम मसाले को भर देंगे। ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसको इसमें भर देंगे और गोल इसकी लोई बना लीजिए और इसको हाथों से ही हमको इसकी जो शेप देनी है हाथों से ही करना है। अगर आप बेलन से भी कर सकते हैं, अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेलन से भी हल्के हाथों से इसको कर सकते हैं। अब हमने ये साइज़ बना लिया है। अब ऐसे ही 3-4 बना के पहले से रख लीजिए, उस हिसाब से करिए तो ज़्यादा अच्छी बनती है। आप हाथ के हाथ बनाएंगे तो उतनी करारी और क्रिस्पी नहीं बनती है। तो आप पहले ऐसे थोड़ी सी बना के रख लीजिए, फिर आराम से इसको तलते जाइए, इससे ये बहुत अच्छी बनती है और उसको थोड़ा सा आराम सा भी मिल जाता है बनने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम तुरंत के तुरंत डालते हैं तो वो थोड़ी सॉफ्ट होने लग जाती है। तो आप इसको इसी तरह से बनाइए। अब हम इसको तल लेते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम इसको अब तल रहे हैं। अभी हमने आज बहुत तेज़ नहीं करी है, मतलब गर्म करके थोड़ी लो कर ली है। अब हम इसको धीरे धीरे सेकेंगे, ऊपर नीचे से आराम से सेक लीजिए ताकि ये अंदर तक सिक जाए और इसमें जो करारापन है और जो उसका स्वाद आता है वो तभी आता है। अगर आप इसकी आंच तेज कर दोगे तो इतनी बढ़िया नहीं बनेगी, करारी भी नहीं बनेगी। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। अब हम दूसरी सेक के दिखाते हैं आपको। ये डाल दी है और इसको दोनों साइड से सिकने दीजिए और गर्मा गर्म बच्चों के आगे जो आप रखेंगे तो इतने चाव से खाते हैं, नहीं तो मटर की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। और ऐसी चीज़ें बना के दे दो तो बड़े शौक से खाएंगे कि हाँ कुछ नया बना है, बना उसी से ही है लेकिन टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। ये हमारी सीख चुकी है और ये गरम गरम आप चटनी के साथ, सॉस के साथ परोसिए और बच्चों को देखिए कि वो कितने शौक से खाते हैं।